प्रिय दर्शक भाई भौणी मानको हार्दिक अभिनंदन जणाई आसंतु हरिद्वार गंगा नदी रे बुड़ पकाई पापताप हरण कराई नेबा एठाकु केमिति जिबे केउठी रहिबे किपरि बुलिबे कौन कौन देखिबे एही समस्त कार्यक्रम पई केते पैसा खर्च लागिव आसंतु जानिबा। हरिद्वार हेउछि उत्तराखंड राज्यर एक बड़ धार्मिक तीर्थभूमि। एही थारु चारिधाम जिबा पई रास्ता आरंभ होईछि जथा गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ रे हरिंकु दर्शन करिवाकु जिबा पई एही द्वार देई जिबाकु पड़िथाय। तेणु एहा हरिंकु दर्शन द्वार बोली जनमत सुना जाए। पौराणिक मत अनुसार गरुड़ देव अमृत नहीं जाउथिबा समय रे एही स्थान रे गुटिए ठोपा अमृत पड़ जाइथिबारु सेही समय रु एहा पवित्र तीर्थस्थली भाबे मान्यता पाइछि। आपण ट्रेन रे गले पुरी ठारु सीधा हरिद्वार पर्यंत बालेश्वर राउरकेला बाटे उत्कल कलिंग एक्सप्रेस रे जाई हरिद्वार ठारे पहुंची जिबे। एरोप्लेन रे गले भुवनेश्वर किंबा झारसुगुड़ा ठारु नुआ दिल्ली पर्यंत जाई सेठारु डेराडून पर्यंत जिबा पोरे 68 किलोमीटर पछकु हरिद्वार को आसिबाकु पड़िबो। डेराडून ठारु हरिद्वार को बस रे आसिले 120 टंका भड़ा टैक्सी रे आसिले 1200 टंकारु 1500 टंका पर्यंत भड़ा लागिजिबो। आपण हरिद्वार रे 2 दिन रहिले सबु स्थान देखिवार मजा उठाई पारिबे। एठारे रहिया पई ट्रेन स्टेशन सामना रे बहुत लॉजिंग एवं होटल पाई पारिबे। 500 टंकारु आरंभ करी 900 टंका मध्येरे घर पाइजिबे। तन्मध्यरु गुंजन लॉजिंग रे बहुत सस्तारे रहिवार सुविधा मिली पारिबो। नचेत पादरे चाली करी किंबा ऑटोरे 20 टंका दे बड़ बाजार गले सेठारे बहुत धर्मशाला आश्रम होटल डॉर्मेटरी पाई पारिबे। डॉर्मेटरी रे 120 टंकारु 150 टंकारे सबु सुविधा मिलुअछि। आपणको आउ गोटे सुविधा स्थान जणाउछि ताहा ट्रेन स्टेशन ठारु ऋषिकेश जिबा रास्तारे 9 किलोमीटर जिबा परे डाहाण पार्श्वरे शांतिकुंज नामक गायत्री परिवारर एक बड़ अनुष्ठान रहिछि। सेठारे 2 दिन पर्यंत रहिबा ओ खाइबा बिना पैसा रे जोगाई देउछंती। एठाकु जिबा पई ऑटो भड़ा 180 टंका पडुछि। हरिद्वार रे रात्र विश्राम नै ता परदिन सकाळु नित्यकर्म सारी पाखरे थिबा हरिकापेडी घाटकु जाई गंगा नदी रे गाधोइबार सुजोग हात छड़ा करिवे नाही। ता परे पाखरे थिबा नील पहाड़ रे अवस्थान करुथिया माँ मानसी देवी ओ चंडी ठाकुराणी की दर्शन करिवाकु जिबे। एही मंदिर जिबाकु पाउछ रास्ता रहिछि प्राय 700-800 पाउछ उठिवाकु पड़िबो। नचेत पादचला रास्ता रे बाइक जोगे आपणकु छाड़ी देवाकु 120 टंका भड़ा नेउछंती। अन्य एक विकल्प रास्ता हेउछि रोपवे रे गले जण पिछा 180 टंका पड़ुछि। सेठारु चंडी मंदिर 2 किलोमीटर पादरे चाली करी गले 45 मिनिट लागिवो। नचेत रोप झुलारे जिबाकु एवं आसिबाकु 365 टंका फीस पड़ुछि। एही मंदिर देखिबाकु कोनोसी फीस देवाकु पड़े नाही। एहा सकाळु संध्या पर्यंत खुला रहिथाय। एही मंदिर दुईटी हरद्वार सर्व पुरातन मंदिर कुंभमेला ओ नवरात्र समय रे असंभाळ भीड़ देखा जाय थाए। एठारे दर्शन सारी खास्ता कचुड़ी खाइबार मजा उठाई नेबे। तापरे पहाड़ तलकु आसिया परे ई रिक्शारे राजाजी नेशनल पार्क जहाँकि 1983 मसीहारे आरंभ होइथिला एठारे हाथी बाघ भालू एवं हरिण सफारी गाड़ी रे बुली देखिवाकु जण पिछा 650 टंका भड़ा लागुछि। ताहा सकाळ 6टारु मध्यान पर्यंत एवं अपराह्न 2टारु संध्या पर्यंत खुला रहुछि। एहा देखि सारा परे आपण दक्ष महादेव मंदिर जाई सेठारे माता सती ठाकुराणी को पिता प्रजापति को दर्शन करिवे। विशेषतः हेउछि श्रावण मासरे एठाकु बहुत श्रद्धालु आसिथांदी। एहा परे आपण पवनधाम जाई सेठारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीतावाणी सुनाउथिबार दृश्य छोट छोट काच माध्यम रे देखिनेबे। ता परे आपण मायादेवी मंदिर रे
तीनोटी प्रतिमा थाई मूर्ति देखिवे सेथिरे माया देवी काली देवी ओ कामाख्या देवी को दर्शन करी आराधना कले मनस्कामना पूर्ण होइथाय बोली लोकमतरे विश्वास रहिछि। एहा देखि सारिया पोरे पातंजलि योगपीठ जाई सेठारे थिबा रामदेवंक द्वारा प्रतिष्ठा करा जायथिबा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जोथरे कि मागणारे चिकित्सा उपलब्ध होइथाय ताहा परिभ्रमण करिबा संगे संगे एही परिसर रे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मध्य किणी करी आनी पारिबे। उक्त अनुष्ठान सकाळ 8टा रु रात्र 8टा पर्यंत खुला रहिथाय। एहा देखि सारिया पोरे भारत माता मंदिर जेउथिरे कि भारतर स्वतंत्रता को उज्जीवित करिया पई भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1983 मसीहा रे लोकार्पित करा जायथिला। एतत व्यतीत एही मंदिर परिसर रे विष्णुदेवक मंदिर और शक्ति मंदिर मध्य देखि पारिबे। एहा देखिया पई कोनोसी फीस देबाकु पडियो नै मात्र यार ऊपर महला को लिफ्ट जोगे जीवापाई 2 टका फीस ने उछंती। यह सका रात्रि 9टा पर्यंत खोला रहुची। तापरे आपण सप्तऋषि आश्रम जाई सेठारे 7 जन महामुनि जथा अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि पुलह पुलस्त और क्रतृंकु दर्शन करिवे। उक्त आश्रम 1943 मसीहारे सार्वजनीन होइथिला। लोक कथा अनुसारे एहिठारे गंगा नदी 7 भागरे विभक्त होई प्रवाहित होउछन्ती। ए आश्रम सकाळु संध्या 7टा पर्यंत खुला रहिथाय। ताहा देखियाकु कोनोसी फीस देबाकु पडियो नै। एहा देखि छारिया पोरे आपण हरिकापेडी घाट ठारु 2 किलोमीटर दूररे चंडी घाट देखियाकु जिवे। एठारु चंडी मंदिर जिवाकु रास्ता मध्ये रहिछि। एही स्थानरे स्नान करिवाकु सबु प्रकार सुविधा पाइपारिबे। कुंभमेला और शिवरात्रि समय भक्त बुड़ पकेयाकु बहुत परिमाण रे आसीथिवारु भिड़ देखा जाय थाए। सबु स्थान बुली देखि सारिया परे संध्या 5:30 पूर्वरु हरिकापेड़ी घाटर ब्रह्मकुंड पाखरे संध्या आलती देखिवाकु हाथ छोड़ा करिवे नाही। एही आलती देखिया पई देश विदेश रु बहुत श्रद्धालु आसीथांदी। तेणु आपण शीघ्र से स्थान को जाई नदी पाख पहाज रे बसी पड़िबे। डेरी होइगले सीट पाइपारे ना आलतीर सौभाग्य दर्शन सारी पाख दोकान रे मिलुथिवा खास्ता कचोड़ी खाई तार मजा उठेबा को भूलिबे नाही। आपण पाख दोकान रु खाली जारकिन किणी सेथिरे बिना मूल्य रे गंगा पानी भर्ती करी गाँ को आणिबा को चेष्टा करिवे। सबु कार्यक्रम देखि सारिया पोरे मूर्ति बजार पाख बड़ बजारु शीत वस्त्र पूजा सामग्री और रुद्राक्षमाला किणि मन खुशी ओडिशा फेरिवे। आपण को ओडिशा रु जिबा आसीबा रहिबा खाइबा ओ बुलिबा इत्यादि समुदाय खर्च 3500 रु 4000 मध्य लागिजिवो। आपण को एही मनोरम स्थान रु आसिबा को इच्छा हेउ नथिले मध्य घरे जंजाल रे बांधी होइथिबारु बाध्य होइके गाँ को फेरिवे। आपण घरे पहुँचला परे बुलुसाऊ ओडिया टूर गाइड को सब्सक्राइब लाइक करिया को भूलिबे नाही। प्रभु जगन्नाथ माता माया देवी माता मानसी देवी आपणकर मनस्कामना पूर्ण करिवा संगे संगे हरिद्वार यात्रा को मंगलमय करिवे। धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ।